अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। दरअसल ये मौजू अगले महीने लेना था, पर इसे आज बताने के पीछे वजह कुछ अलग है, क्योंकि हमने कल ही मुखबिरों के बारे में बताया था। सोचा कि हम मुखबिरों गद्दारों की वजह से कैसे तारीख बदलती है और कैसे उरूज पर पहुंची हुकूमतें जवाल पजीर हो जाती है। आइए बात करते हैं भारत के सबसे अजीम मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की, और टीपू सुल्तान के कुछ ऐसे वाकये जिनका इल्म अक्सर लोगों को आज भी नहीं है। तो कुछ अनसुने आज पहलुओं पर नजर डालने की कोशिश करते हैं। टीपू सुल्तान की तस्वीर पर भी कुछ लोग बोलते हैं कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दाढ़ी थी वगैरह, लेकिन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उस दौर का सिक्का जिस पर टीपू सुल्तान की तस्वीर है। इसे जाहिर होता है कि टीपू सुल्तान की जो तस्वीर उम्मन दिखाई जाती है वही सही है। मुगल बादशाह और टीपू सुल्तान की जिस्मानी बनावट भी कुछ अलग ही थी। समझ लीजिए मुगल गोरे हुआ करते थे, तो वैसे मुगलों को तो बाहरी कहा जाता है, पर बाबर के बाद अक्सर बादशाह तो यही पैदा हुए। खैर, टीपू सुल्तान शुमाली हिंद के थे और यही के थे, तो बिल्कुल जैसे साउथ के लोगों का तस्वीर करते उसी तरह का गेहूं रंग था। शेर मैसूर टीपू कहते हैं, पर शेर हिंद टीपू कहना चाहिए, क्योंकि जब अंग्रेज अपना तसल्लुत कायम करने के लिए मुल्क हिंद का रुख कर रहे थे तो उसे कहीं पर भी लड़ना नहीं पड़ा। वैसे भारत की अवाम में गुलाम जहनियत बहुत हद तक व्यवस्थित। अगर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को आलमी सतह पर भी आप देखेंगे तो आलमी सतह पर भी कुछ सियासी तगयुरात यानी कि चेंजेस तब्दीलियां जाहिर हो रही थी, तो उसका असर आप मैसूर की उस सल्तनत पर भी देख सकते हैं जिसे सल्तनत खुदादाद कहा जाता था। आलमी सतह पर भी ब्रिटेन, फ्रांस और अमरीका भी अपने दायरे वसी करने की जंग लड़ रहे थे। ब्रिटेन और फ्रांस ने भारत में अपना पांव फैलाना शुरू किया था। ये अंग्रेज जहां भी जाते यहाँ के आवाम में नफरत और इख्तलाफात फैलाते रहते और अपना कयाम मजबूत करने की कोशिश करते रहते हैं। 1756 से 1763 के बीच चली जंगों में ब्रिटेन ने अमेरिका के कई रियासतों पर अपना कब्जा जमाया था। कनाडा फ्रांस के कब्जे में था, तो ब्रिटेन की बढ़ती ताकत फ्रांस या अमेरिका के लिए फिक्र का बास बनती जा रही थी। ब्रिटेन फ्रांस ने भारत का रुख किया था और अपनी कॉलोनियां बनाना शुरू किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी की जंग जीतकर जुनूबी हिंद यानी बंगाल पर अपना कब्जा जमाया था। वही ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका के नफरत बढ़ती जा रही थी। उस वक्त के हालात को भी समझने के लिए सियासी मंजरनामे को समझना जरूरी होता है। जुनूबी हिंद यानी कि दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान की सल्तनत खुदादाद अपना दायरा वसी कर रही थी। वाज़ह रहे कि टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली मामूली फौज से शुरुआत करने वाले 1761 को मैसूर के हुक्मरान बने। मैसूर आज की तरह में एक छोटा गांव ना होकर बड़ी रियासत थी जो गोवा के करीब से लेकर मलबार तक फैला हुआ था। मैसूर के ऊपर मराठा हुकूमत जहां पेशवाओं की हुकूमत थी, अब जहां हैदराबाद है वहां निजाम शाही थी जो कर्नाटक के बीजापुर तक थी, को कभी मुगल तो कभी मराठों के साथ हो लिया करते थे। कमजोर होने के बाद मराठा और निजाम दोनों भी ईस्ट इंडिया के साथ हो लिया करते थे। और आज जो टीपू सुल्तान पर उंगली उठाते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि आखिर टीपू सुल्तान किस शख्सियत का नाम था। अंग्रेजों को भारत में टीपू सुल्तान छोड़कर किसी और से बड़ी चुनौती नहीं थी। मद्रास में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का मरकज बना चुके थे और हैदर अली ने इस बात को महसूस भी किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर मैसूर पर है। आज टीपू सुल्तान या सल्तनत खुदादाद पर बहुत सारी बातें आज वो लोग कहते हैं जो कभी अंग्रेजों के गुलाम और चापलूसी किया करते थे। कहते हैं भारत का सबसे खुशहाल कोई हिस्सा था तो हुकूमत मैसूर था। हैदर अली से लेकर टीपू सुल्तान तक किसी भी बात की कमी मैसूर हुकूमत में नहीं थी। आज हिंदू विरोधी और कन्नड़ विरोधी की बात या फिर ब्राह्मणों को मारने काटने की बात टीपू सुल्तान कर लेकर जो कहानियां घड़ी जाती है दरअसल झूठ की बुनियाद पर है। मंडिया में भी कत्ल की वारदात का भी पसमंजर बताया जाता रहा कि कुछ लोग गलत रस्म रिवाज के चलते औरतों की छातियों को खुला रखने का हुक्म जारी किए थे और अरसे से इसे बतौर तहजीब चलाया जाता रहा। लेकिन जब हैदर अली फिर टीपू सुल्तान की हुकूमत आई तो इन्होंने इस गलत रस्म को बंद कर दिया और इसी रस्म के चलते कुछ लोगों को कत्ल कर दिया गया था। तो अंग्रेजों को खुफिया जानकारी फराहम करने की बुनियाद पर भी कुछ लोगों को मारने की बात कही जाती है, क्योंकि जहां भी फ्रांस या अंग्रेज फिर ब्रिटेन के हो या फ्रांस के हमेशा हुकूमत हासिल करने के लिए वहां के अवाम को आपस में लड़ाते हैं। जैसा आज भी अमेरिका अपना तसल्लुत कायम करने के लिए कभी ईरान इराक को पेट्रोल पर कब्जा करने के लिए लड़ाता रहा है, जैसे कि पिछले देखा कि हमने ईरान इराक 10 साल तक लड़ते रहे। खैर, बात टीपू सुल्तान की चल रही है तो अंग्रेजों को परेशानी टीपू सुल्तान की थी और टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली ने इस बात को महसूस किया था कि खुशहाल सल्तनत खुदादाद पर ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर है। खासकर हैदर अली टीपू सुल्तान की हुकूमत
केरला कर्नाटक और अब के आंध्र तमिलनाडु के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी, जहां कई बंदरगाह थे और टीपू सुल्तान न सिर्फ अच्छे बादशाह थे बल्कि अच्छे ताजीर साइंसदान और सियासतदान भी थे, जिसमें माहे बंदरगाह जिसका नाम माहे है वही बंदरगाह का खास जिक्र किया जाता है जिसके जरिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में चीजें भेजी जाती थी। टीपू सुल्तान से पहले हैदर अली से फ्रेंच ने माहे बंदरगाह को हथियारों के बदले ले लिया था और यह भरोसा भी दिलाया था कि अंग्रेजों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कभी भी आपकी हिमायत में आ सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर रियासत मैसूर पर है। इसके बाद 1767 में पहले एंग्लो मैसूर जंग की शुरुआत हुई, जिसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को ऐसा खदेड़ा कि मद्रास के किले तक अंग्रेजों को भागना पड़ा। हैदर अली के नाम से इन्हें इतना डर खौफ खाना पड़ा, आखिर इन्हें मुहायदे करने पड़े, जिसे तारीख में मद्रास ट्रीटी यानी कि मद्रास मुहायदे के नाम से मशहूर है। मुहायदे में इस बात पर अंग्रेजों से दस्तखत ली गई कि आइंदा से कभी भी हुकूमत मैसूर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे, लिहाजा हमेशा धोखे से काम करने वाले अंग्रेज यहाँ भी साजिश अपने दिल में चला ही रहे थे। मैसूर का लालच तो था ही, ऊपर मराठाओं की हुकूमत थी और मराठा खुशफहमी में थे कि अंग्रेज मराठाओं पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन मराठाओं की खुशफहमी भी गलत साबित हुई और अंग्रेजों ने मराठाओं पर भी हमला किया। यहाँ एक और बात का तस्करा जरूरी है कि फ्रेंच और ब्रिटेन की दुश्मनी बढ़ रही थी और इसके तार आलमी सतह पर जुड़े हुए थे, यानी कि अमेरिका से जुड़े थे, अमेरिका में बगावत हो चुकी थी और यही मौका देख फ्रेंच भारत में भी अंग्रेजों को हारता देखना चाहता था। तभी तो माहे बंदरगाह को कुछ माहदे के तहत फ्रेंच ने हैदर अली से लिया था, लिहाजा 1780 में दूसरा एंग्लो मैसूर जंग हुई। तब तक मराठों का भी दिमाग ठिकाने पर आ गया था, क्योंकि अंग्रेज किसी के नहीं, इन्हें भी मालूम हो चुका था। दूसरी तरफ निजाम भी मैसूर की ताकत को समझ चुके थे, यानी कि मराठा और निजाम दोनों मैसूर की ताकत को समझ चुके थे, लिहाजा धोखेबाज अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए और मैसूर की ताकत को समझकर मराठा और निजामों ने हैदर अली को अंग्रेजों के खिलाफ साथ देने का फैसला किया। यह पहली जंग थी जिसमें हैदर अली ने अपने बेटे टीपू सुल्तान को मैदान में उतारा। टीपू सुल्तान बहुत जहीन थे और जंगी मंसूबाबंदी में माहिर थे। टीपू को शिकस्त देने के लिए एक और नवाब को अंग्रेजों ने साथ लिया जिसका नाम था वल्लार जंग। जुलाई 1780 में जंग का ऐलान हुआ तो टीपू सुल्तान ने किलेयरकोट का घेराव किया। वल्लार जहां के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास से 2 टुकड़ियां रवाना की। इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जिस चालाकी से अंग्रेज प्लान बना चुके थे उससे भी ज्यादा जहनीयत के साथ टीपू ने मंसूबा बनाया था। पहली मर्तबा खुद के बनाए हुए रॉकेट इस जंग में टीपू सुल्तान ने इस्तेमाल किए। यह लड़ाई कोलिलूर में हुई। खुद टीपू के बनाए रॉकेट से अंग्रेज हैरान हो गए और इन्हें भागने के लिए रास्ता तक नहीं मिला। अंग्रेज टुकड़ी के कर्नल बेली ने अपने आप को टीपू के कदमे में पनाह मांगी। दूसरी टुकड़ी को खुद हैदर अली ने घुटनों पर लाया। दूसरी टुकड़ी को लीड कर रहे कर्नल हेक्टर मुनरो को भी मद्रास भागना पड़ा। जिस कदर अब अंग्रेजों के दिलों में टीपू और हैदर अली का डर बसा हुआ था, कुछ तारीखदान कहते हैं कि अगर आगे मद्रास पर टीपू और हैदर अली हमला करते तो शायद भारत से अंग्रेज हमेशा के लिए भाग जाते। लिहाजा चालाक अंग्रेजों ने अपनी फरेबी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए मराठा और निजामों को टीपू सुल्तान की पुश्त पनाही में आप वक्त बर्बाद कर रहे हो, आगे आपको ईस्ट इंडिया कंपनी में भागीदारी और हिस्सेदारी का लालच भी दिया। हालांकि पहले मराठा और निजाम दोनों धोखा खा चुके थे, फिर भी अंग्रेजों के इस ऑफर को इन्होंने लालच में कबूल किया। लिहाजा मराठा निजाम और अंग्रेजों ने मिलकर टीपू सुल्तान हैदर अली पर मुस्तकिल हमले किए और 3 जंगें लड़ी। 1782 में हैदर अली बीमार हुए और इनकी इसमें मौत हो गई। अब मैसूर के बादशाह टीपू सुल्तान बन गए। इस वक्त एक आलमी तब्दीली रुनुमा हुई, ये बहुत अहम बात है। अब तक ब्रिटेन और फ्रांस के दरमियान इख्तलाफात थे, लेकिन ब्रिटेन फ्रांस और स्पेन के बीच अब मुहायदा हुआ, जिसमें अमन का मुहायदा कहा जाता है। 1783 में यह मुहायदा हुआ तो इसका असर मैसूर पर भी पड़ा। अब तक फ्रांस और ब्रिटेन दुश्मन हुआ करते थे, पर अब दोस्त बन गए। टीपू ने अंग्रेजों से जंग जारी रखी थी। फ्रांस भी अब टीपू सुल्तान की मुखालफत में उतर गया। इसके बावजूद भी टीपू सुल्तान का डर अंग्रेजों और फ्रांस के दिल में बरकरार रहा। पर कहते हैं जिस कौम में गद्दार मौजूद होते हैं उस कौम के मजबूत किले भी मिट्टी के घरौंदे साबित होते हैं। लिहाजा मीर सादी खरदौर में पैदा होते रहे और आज भी पैदा हो रहे और कौम को नुकसान पहुंचा भी रहे, पहुंचाते रहे हैं। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है कि महज नमक अंग्रेजों का होने की वजह से उस नमक को कभी उन्होंने नहीं चखा। तहज्जुद गुजार टीपू अक्सर कुरान की तिलावत किया करते थे। लिहाजा 1799 चौथे एंग्लो मैसूर जंग में टीपू सुल्तान खुद घोड़े पर सवार होकर जंगे मैदान में शरीक हुए।
फ्रांसीसी कमांडर ने इन्हें भागने को कहा तो तारीखी जुमले दोहराए कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। लिहाजा किसी तरह भारत पर कब्जा करने का जो मंसूबा अंग्रेजों का था वो टीपू सुल्तान की शहादत से इन्हें मयसर हुआ। मीर सादी के लंगड़ा गुलाम अली और पुरनैया ने अंग्रेजों से हाथ मिलाए और टीपू की फौज को किले के पीछे हिस्से में तनख्वाह के लिए बहाने बुलाया। फिर मीर सादी गोया टीपू सुल्तान के दरबार में ऊंचे ओहदे पर था, पुरनैया का भी वही मकाम था, लेकिन धोखा फरेब लालच ने एक अजीम हुकूमत को अंग्रेजों के हवाले किया। टीपू सुल्तान की आज गलत कहानियां बयान कर इन्हें बदनाम वही लोग कर रहे हैं जो हमेशा से अंग्रेजों के गुलाम रहे। लिहाजा आखिर किस शख्स का नाम टीपू था उसका महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। एक बार फिर कहता हूं कि मराठा निजाम और दिगर किसी भी हुकूमतों से इन्हें डर नहीं था, सिर्फ टीपू सुल्तान की तलवार से अंग्रेज खौफ खाया करते थे। आज भी तारीख की किताबों में मौजूद है, जब भी टीपू की शहादत का इन्हें यकीन हुआ तो बेख्तियार पुकार उठे, अब हमें भारत पर हुकूमत करने से कोई रोक नहीं सकता। लिहाजा जब इनका जनाजा रास्ते से गुजरने लगा तो लोग बेख्तियार दहाड़े मारकर रो रहे थे, क्योंकि वो कोई मामूली बादशाह नहीं था बल्कि इनके अच्छे बुरे वक्त में वो उनके साथ खड़ा हुआ करता था। आम इंसान की तरह रहने वाला बादशाह तो था लेकिन वो दीनदार शख्स भी था। आज टीपू पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं लेकिन कभी इन्होंने श्रीरंगपट्टन का नाम नहीं बदला, जो आजकल नाम बदलने का जो दौर जारी है। खुद तो कुछ नहीं करते लेकिन कभी मुगलों को तो कभी टीपू सुल्तान को महज मुसलमान होने की बुनियाद पर जहर घोलने की कोशिश करते रहे। अब तो किताबों के सबक भी मिटाने की कोशिश जारी है। जब मराठों ने श्रीरंगपट्टन पर हमला किया तो यहाँ के मशहूर मंदिर श्रृंगेरी मठ को नुकसान पहुंचाया, उसकी मरम्मत भी इसी शेरे हिंद टीपू सुल्तान ने करवाई थी और तारीख की किताबों में तमाम वाक्य मौजूद हैं। लिहाजा आज टीपू के कुछ ऐसे अनसुने वाकियात को बयान करने की कोशिश की गई। उम्मीद करते हैं कि टीपू सुल्तान का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। कमेंट शेयर और लिंक जरूर करें। एक नई तारीख हस्ती के साथ जल्द आपसे रूबरू होंगे। इतिहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।